कार एक्सीडेंट के आरोपी को ढूंढने में पुलिस नाकाम। कहीं मामला सांठगांठ का तो नहीं? आरोपी के मामले को दूसरे के माथे थोपने की जुगाड़ में लगी पुलिस, सूत्र से खबर। मामला धमतरी के करेली बड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम नवागांव के मोड़ मेन रोड का है। आपको बता दे, एस ब्रिक्स के पास 17 सितंबर को कार संख्या CG07N7553 के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल होंडा साइन को सामने से जबरदस्त तरह से भिदंत की, जिससे मोटरसाइकिल चला रहे चेतन सिन्हा पिता बैसाखू राम सिन्हा जिला बालोद निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे उदय श्रीवास्तव को हाथ और पैरों में चोट लगने से स्थिति गंभीर बताया जा रहा है, जिसका इलाज वर्तमान में रायपुर में जारी है। आपको बता दे, प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक कार चालक नाबालिग है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होने की बात की है। साथ ही यह भी कहा है, आरोपी के आरोप को दूसरे पर थोपने के जुगाड़ में पुलिस जुट गई। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कार चालक ग्राम बुढ़ेनी निवासी होना बताया जा रहा। वही घटना उपरांत तुरंत तत्परता दिखाते हुए 0 पॉइंट थाना गोबरा नवापारा ने प्रथम दृष्टव्य मार्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है। घटना के बाद आरोपी अपनी कार छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार को जब्ती बनाकर थाने ले गए, लेकिन आज तक न तो गाड़ी मालिक के बारे में कुछ जानकारी जुटाई है और न ही चालक की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही मोटरसाइकिल की कोई जानकारी भी नहीं है। मजे की बात यह है कि कार को जब्ती में लेकर गोबरा नवापारा पुलिस प्रशासन शांत बैठ गई है, जबकि मामला करेली बड़ी चौकी के अंतर्गत है, जिसे अभी तक मामले को सुपुर्द नहीं किया गया है। आज घटना को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपी के ऊपर न FIR हुई न ही कोई कार्यवाही हो पाई है, जो पुलिस विभाग के उदासीनता को दर्शाता है। इस मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण मामला रुका हुआ है, मिलते ही सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन आज घटना को 6 दिन बीत चुके हैं। वही ग्रामीणों की माने तो मामले को सांठगांठ कर दबाने की कोशिश की जा रही है। धमतरी से गेंदलाल सिन्हा की रिपोर्ट। वो आ रहा है सामने जो इन्हें के लड़का चला कपाल लासन ऐसा नहीं है, डरावना दूसरा डरावना के हिसाब से जमाना भी लसन है तो दूसरा के हिसाब से वो बनी है थानों में ले देते हैं। चला भी में 2 घंटे अच्छा ठीक तो खत्म क्या है रायपुर के कमर के हुआ। सर कल के एक्सीडेंट के संबंध में कुछ बताएंगे? सर कल नवा गांव रोड पे एक आल्टो कार है मोटरसाइकिल में काफी तेज रफ्तार से एक्सीडेंट कर रहा है, सूचना मिली जिसमें एक व्यक्ति को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और एक आदमी उसमें मौके पर फौत हो गया, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस जो है पुलिस का टीम गया और उन पर जयपुर उपचार हेतु एडमिट कराया गया और जयपुर मसूरी में शिफ्ट कराया गया। इसकी जाँच पंचनामा कार्रवाई बाद थाना मगर रोड क्षेत्र में अग्रिम कार्रवाई हेतु जारी की जाएगी।